गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे टू बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम लोग ये क्वेश्चन देखें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की पावर 6। तो अगर इस प्रॉब्लम को यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में हमें ये टर्म लाना है और हमारे पास यहाँ पे ट्राइनोमियल दिया गया है, यानी मल्टीनोमियल थ्योरम यूज़ किया जा सकता है या फिर हम कोशिश कर सकते हैं इसको बाइनोमियल में बनाने की, लेकिन वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिमेट्रिकली दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, इसलिए अगर पावर हम लोग चाहेंगे तो इस तरीके की पावर जनरेट करना यहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कहीं पर देखते हैं तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग जो आपकी हो सकती है कि हम पूरे एक्सप्रेशन को उसे ए बी सी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ए बी सी की पावर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, की पावर 6 ऐसे करता हूँ तो क्या होगा, आप देखें, अब ये ए बी से डिवाइड होके 1/c हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी डिवाइड हो गया 1/a और ए सी डिवाइड हो गया 1/d। अभी कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि ए बी सी की पावर 6, अब मैं यहाँ पर मल्टीनोमियल अगर थ्योरम लगाऊँ तो मेरी जो पावर्स आएंगी वो आएंगी 1/a में, 1/b में और 1/c में हमारी पावर्स आएंगी, लेकिन हमें जो पावर चाहिए वो है ए की पावर 5, बी की पावर 3, सी की पावर 4। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आप देखें तो ए की पावर 6, बी की पावर 6 और सी की पावर 6 है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ से कि ये पावर जनरेट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पावर ए की पावर 5 बचे, यानी कि इसमें से जो इस पोर्शन में से मेरा टर्म आना चाहिए 1/a की पावर 1, ठीक है। और आप देखिए, यहाँ पे बी की पावर 6 है और आप चाहते हैं बी क्यूब आए, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1/b की पावर 3, क्लियर है। और अगर आप चाहते कि आपकी पावर जो है वो सी की पावर 6 है और आ जाए सी की पावर 4, तो इसका मतलब इधर आना चाहिए सी स्क्वायर, तो 1/c² है, यहाँ पे सी की पावर 6 रहेगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सी की पावर 6 से और हमें जो टर्म आएगी वो आ जाएगी सी की पावर 4, तो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि 1/a इंटू 1/b 1/c का होल स्क्वायर आना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल n होता है यहाँ पर, यानी पावर जो होती है उसका फैक्टोरियल लिखा जाता है, ठीक है, और ये जो इनकी पावर्स होती हैं उनके फैक्टोरियल ऐसे लिखे जाते हैं, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यही करते हैं हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम, एक बार फिर समझ लीजिए, जो पावर रहती है वो 6 फैक्टोरियल हो जाता है, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 फैक्टोरियल लिख दिया हम लोग, और जो हमारे टर्म्स हमें चाहिए जैसे 1/a की पावर 1, 1/b की पावर 3 और 1/c की पावर 2, तो देखें इनका भी पावर का सम जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चाहिए तो इनकी जो पावर है उसका फैक्टोरियल लिखा जाता है, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए कि इनका जो सम होना चाहिए वो इसके 6 के बराबर आना चाहिए, यानी जो n होता है R1 + R2 + R3 शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम था और यहाँ पर अब आप देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 2, ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 और 120 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 6 की,
तो क्लियर है। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि मल्टीनोमियल थ्योरम कैसे यूज करते हैं, ये हमें सीखने को मिलता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया हो या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मे बी सम मैनिपुलेशन करके बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन के मैनिपुलेशन के लिए क्या करना है, हमें उसे 1/a, 1/b, 1/c टाइप के में बनाना है, तो उसके लिए हमें ए बी से इसे डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं कि इसी एक में है, ऐसा वैलिड है। दिस कैन बी डन इन एनी फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन वेयर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज बीइंग यूज्ड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 इन 1 प्लस एक्स की पावर 1000 प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 999 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 998 एंड दिस गोज ऑन टिल एक्स की पावर 1000। तो अब ये प्रॉब्लम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बिकॉज इस तरीके की प्रॉब्लम पेपर में आ सकती है, ठीक है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट जो हमको सीखने को मिलता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि आपको अगर कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन लंबा सा दिया गया हो और उसमें अगर हमें कोफिशेंट पता करना है तो हमारे पास कुछ स्मॉल सी चीज़ आनी चाहिए, यानी ये ओपन है, किसी एक्सपेंशन को ये ओपन किया गया है और फिर उससे एक्सपैंड होके ये चीज आई है, तो हमें इसे कंप्रेस करना होगा, छोटा बनाना होगा इस एक्सप्रेशन को, और फिर उस एक्सप्रेशन में हम लोग अपने कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इसके लिए तरीका है कि कई बार जो है हमें जीपी दी रहती है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम में, आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि कहीं जीपी तो नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को याद रखना है, उन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आप समझ गए। तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कि ये जी पी कैसे है। तो अगर आप पहला टर्म देखें तो 1 प्लस एक्स की पावर 1000 है, लेकिन अगली बार देखें तो इसकी पावर कम हो गई है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए और एक x बढ़ गया है, ठीक है। यानी कि ये वाले टर्म को अगर जो फर्स्ट टर्म है उसे हम लोग x अपॉन 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब अगली बार भी देखिए, अब x ऊपर है तो x स्क्वायर हो गया, वो 1 प्लस एक्स है तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये एक जी पी है, ठीक। और इस जीपी में टर्म कितने हैं अगर आप देखें तो 1001 टर्म्स है, बिकॉज एक्स की पावर 1000 दिया है तब 1 प्लस एक्स की पावर 0 है, ठीक है। उसके बाद ऐसे 1000 चीजें आई, तो यानी 1001 टर्म्स है। तो अब हम जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं और इस जो आर है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, बिकॉज देखिए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स तो नीचे वाला बड़ा है तो ये चीज छोटी है 1 से, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अपने एसेंड जीपी को ऐड करने का फॉर्मूला, ए टाइम्स 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम लोग। तो ए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा ए जो है वो है 1 प्लस एक्स की पावर 1000, क्लियर है बात, 1 प्लस एक्स की पावर 1000। और जो हमारा आर है दैट इज एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और एन कितना हमारा 1001, ठीक है, एन की ये वैल्यू। और 1 माइनस आर तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियर बात। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अब ये चीज जानने के बाद अब आप देख सकते हैं एस ऑफ 1001 टर्म्स है। अभी कुछ भी है ये सिंपल एक्सप्रेशन में अब टूट जाएगा। अब यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो ये 1 प्लस एक्स ऊपर जाएगा और उसका एक एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यानी इस एक्सप्रेशन को मैं अगले स्टेप में देखिए क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसी तरीके से आप देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स की पावर
1001 हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 1001। ठीक है, अब ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के अब एक छोटा सा कंप्रेस फॉर्म यहाँ पे बचा है 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001। अब इसमें से एक इजी सी प्रॉब्लम हो गई है कि इसमें से आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर जो है 100 निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एल सी आर, ठीक है, तो यानी 1001 सी 100 इसका कोफिशियंट होगा। तो मेन पॉइंट क्या था इस प्रॉब्लम में जो समझने के लिए इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, तो मेन पॉइंट यहाँ पर था कि हमें कोई भी बड़ी सी एक्सपेंशन दी गई है और किसी टर्म का कोफिशियंट पूछा जा रहा है तो हमें उसे कंप्रेस करना है। वो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं कंप्रेस करने के, और यहाँ पर हम लोगों ने जीपी यूज़ किया, मोस्टली जीपी यूज होती है, और यहाँ पे आर का जो टर्म था, आर जो था इस पूरी सीरीज का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया गया और इसके बाद केवल सॉल्व किया गया और बहुत ही ईजिली हमारा कोफिशियंट 1001 सी 100 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इन द एक्सपेंशन ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x का होल स्क्वायर टिल 1 प्लस x की पावर 41, इफ द कोफिशियंट ऑफ x की पावर m इज द ग्रेटेस्ट कोफिशियंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ग्रेटेस्ट कोफिशियंट, तो अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट कोफिशियंट का प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि दैट इज मिडिल टर्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशियंट यानी बाइनोमियल कोफिशियंट अगर हो, इसमें तो जैसे 1 प्लस x का एक्सपेंशन है तो बाइनोमियल कोफिशियंट ही आने वाला है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशियंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमेशा मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशियंट होता है, मिडिल टर्म वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, तो फिर से मैंने जो बताया था आपको कि आपको जीपी हमेशा सोचना चाहिए, अगर एक्सपेंशन दिया है और टर्म्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो हो सकता है कि जीपी हो। तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन वन दिख रहा है हम लोगों को, 1 प्लस एक्स टाइप से दिया गया है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को इसे अब कंप्रेस करना है जो एक्सपेंडेड सीरीज है, और फिर ये पता करना है कि किस चीज़ को एक्सपैंड करके ये आया होगा, तो उसके लिए हम लोग जीपी यूज करेंगे। तो SN फॉर्मूला होगा ए आर की पावर एन माइनस वन, आर है यहाँ पर 1 प्लस एक्स, ठीक है, और पावर यानी टर्म कितने, आप देखिए 42 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, ए आर टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, और ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा हमारे एक्स, तो यानी कि अब ये है हमारा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 42 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमें पता करना है कि इसका मिडिल टर्म क्या होगा। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 42 पावर है तो एक्सपेंशन में हमारे कितने टर्म्स आएंगे, 43, और जब ऑड होते हैं तो केवल एक मिडिल टर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब कैसे निकालते हैं, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाए और ये ऑड है तो उसमें एक प्लस करिए आप और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 इज 22nd टर्म। कौन सा टर्म होगा, 22nd टर्म, फिर हम लोग लिख सकते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर आर, अगर 1 है तो। ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में हमें पता करना, तो ये 22nd है, तो यहाँ टी 22 होगा, ध्यान दीजिए यहाँ 22 होगा तो यहाँ 21 होगा, एन कितना हमारा 42 सी, और ये एक कम होगा उससे 21, और x की पावर यहाँ से क्या आएगी, x की पावर यहाँ से आएगी जो ये है 21। ठीक,
लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पावर कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ पे पूछा एक्स की पावर एन, और कोफिशियंट भी पूछ सकते क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कोफिशियंट जो बाइनोमियल होगा वो होगा 42C21, दिस इज द हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पे बोला है कि अगर जो भी ग्रेटेस्ट कोफिशियंट है उसकी पावर आ रही है एक्स की पावर एन, तो उस एन की वैल्यू आप बताइए। तो यहाँ पर एन आप जल्दबाजी में 21 मत लिखिए, बिकॉज नीचे डिवाइडेड बाई एक्स भी है, तो हम अगर इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आने वाला है 42C21 एक्स की पावर 20। तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट है दैट इज 42C21, और जो पावर यहाँ पर आ रही है दैट इज पी इज इक्वल टू 20। क्लियर है? फिर से एक बार आप समझ लीजिए, a इंटू 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1, और टर्म कितने हैं 41 है, तो यहाँ पे टर्म हो गया 42, यानी पावर हो गई 42, ठीक है यहाँ पर। और फिर ये इसमें ऑड आए तो मैंने एक जोड़ के दो से डिवाइड किया, देन वी गॉट 22nd टर्म। और जो 22nd टर्म है उसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा, तो ये हो गया 42C21। ये हमारा हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गया। पावर के बारे में बात कर रहे थे, जल्दबाजी में गलती हो सकती है, एक्स और 21 से 21 आंसर लिखा जा सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक्स नीचे भी है, उससे डिवाइड करेंगे तो पावर एक कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट के सीरीज की हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो बोला जा रहा है सो दैट सी नॉट प्लस सी वन बाई टू सी टू बाई थ्री ऐसे करते हुए सी एन बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 2 की पावर n+1 - 1 अपॉन n+1। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट जो यहाँ पर जैसे एन सी आर है, तो यहाँ पर इसके जनरल टर्म में नीचे आर प्लस वन है। तो हम लोग यहाँ पे अपना जनरल टर्म अगर लिखें तो जनरल टर्म है कुछ इस तरीके से एन सी आर अपॉन आर प्लस वन है। ये देख लीजिए आप, जब आप यहाँ जीरो रखते हैं तो दैट इज एन सी जीरो वन, तो यानी इसका समीशन निकालना है। ये सीरीज हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक जा रही है, ये हमें निकालना है। तो अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है हमें वो ये है कि नीचे पावर जो है बड़ी हुई उससे लिखा गया। तो अगर यहाँ पर यानी ऐसा कब होता है, जैसे x की पावर n को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर n तो क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, तो एक पावर क्या होती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने एक्सपेंशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस x की पावर n को लिखा जा सकता है एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से एन सी एन एक्स की पावर n, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ मुझे डी एक्स लगाना पड़ेगा, डी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप समझ सकते सब जगह डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन हमें कैसे समझ में आया, बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ r है और यहाँ r प्लस वन है, तो अब इसका इंटीग्रेशन। और एक और बात ध्यान रखनी कि आखिर यहाँ लाना क्या है, यहाँ पे लाना है 2 की पावर n+1 - 1 अपॉन n+1, यानी कि जो हाईएस्ट लिमिट जो लार जो मैक्स वैल्यू है यहाँ पर, जहाँ तक हमारा फाइनल वैल्यू है दैट शुड बी 1, बिकॉज जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा। और दूसरी वैल्यू देखिए क्या है, माइनस करने के बाद 1 अपॉन n+1 है, यानी जीरो रख दें तो 1 आएगा, इसलिए 0 से 1 के बीच में इसको इंटीग्रेशन करना है। डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 से 1 यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से सब टर्म्स में ये कर देंगे, तो प्रॉब्लम बहुत इजी है। तो नॉर्मली ये सब जगह दिया भी रहता है प्रॉब्लम, लेकिन हाँ किसी ने अगर नहीं पढ़ रखा अभी तक, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आपने केवल हल्का फुल्का बेसिक्स पढ़ रखा है लेकिन आपको फुल ऑन नॉलेज नहीं है, तो ये जो लेक्चर्स हैं
जेई मेन्स और जेई एडवांस दोनों के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और हमारे पास लगभग 1 ईयर के आसपास है। तो आप अगर अच्छे से हमारे साथ पढ़ते चलेंगे तो यू विल बी एबल टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ पर हम लोग डरते हैं 0 to 1 और यहाँ पर NC0 x प्लस NC1 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस NC2 x क्यूब अपॉन 3 और इस तरीके से NCn x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस पूरे में हमने ठीक है 0 to इसको छोटा लिखने ऐसा लग रहा है कि ये 0 से लेके 1 तक ये सब मैंने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ 1 रखेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0 रखेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको एक साथ एलसीएम ऐसे लिख सकते जो कि RHS यहाँ पर लिखा हुआ है वो मिल गया है और यहाँ पे 1 रखेंगे तो दैट विल कम आउट NC0 1 प्लस NC1 रखेंगे तो 1/2 और यही चाहिए हमें। देखिए आप NC2/3 और NCn/n+1 और बाकी 1 रखा है माइनस टाइम 0 रखेंगे तो सभी में x का x है तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं जहाँ पे इस तरीके से बायनोमियल कोफिशिएंट्स दिए गए हैं NC1 अपॉन NC0 प्लस 2 टाइम्स NC2 अपॉन NC1 इसी तरीके से देखिए 3 टाइम्स NC3 अपॉन NC2 और n टाइम्स NCn अपॉन NCn-1 n। अब ये मत समझिएगा ऊपर n अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब n होता है ठीक है जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जनरल टर्म लिखना चाहिए कि जनरल टर्म आखिर इस सीरीज का क्या है। तो अगर आप देखें यहाँ 2 है तो 2 है यहाँ 3 है तो 3 है और यहाँ एक उससे कम है यानी हम लोग जनरल टर्म लिख सकते हैं आर NCr अपॉन NCr-1 ठीक है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए NCr अपॉन NCr-1 इज n-r+1 अपॉन r ठीक है ये फॉर्मूला होता है अगर कहीं पे आपको ये दिखता है ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसलिए आपको बताऊं अगर नहीं आता तो आप एक्सपेंड करके निकाल भी सकते हैं जैसे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल उसको भी करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल एंड n-r+1 पर तो यहाँ से n-r+1 नीचे रहेगा और यहाँ पे n-r तो ये बचेगा कट के और r-1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में से r into r-1 फैक्टोरियल लेकिन तो कैंसिल हो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा। अगर नहीं भी याद है तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं लेकिन कंपटीशन में इतना टाइम नहीं रहता ऐसी चीज़ें एकदम जल्दी से हमें आ जानी चाहिए याद ही रहना चाहिए तो बेटर रहता है ठीक है। तो यहाँ पे r टाइम्स अब यार डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग n-r+1 अपॉन r। अब आप देखिए इस r से ये r कैंसिल हो गया पहले क्या प्रॉब्लम थी अगर आप नीचे देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा हम लोगों को कि आखिर नीचे कैसे लाएंगे बायनोमियल एक्सपेंशन करके तो नहीं ला सकते तो फिर हम लोग जनरल टर्म लिख के क्वेश्चन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हमें एक्चुअल में इसका समेशन करना था जहाँ पे r की वैल्यू देखिए क्या थी r NCr तो r की वैल्यू 1 से लेके n तक इसको ऐड करना था यानी कि हमें बेसिकली समेशन करना है n-r+1 को कहाँ से लेके r=1 रख के और n तक ठीक है। देखिए आप जब n रखेंगे तो n-1 जनरेट होगा n जनरेट होगा n तो ये टर्म आ जाएगा तो r=1 लेके n तक इसे हमें एक्सपेंड करना है। अब मैं इसे देखिए कैसे लिखूंगा समेशन r=1 to n अंदर भेज दूंगा और n+1 को एक साथ लिख लूंगा और माइनस समेशन r=1 to n जो वेरिएबल पार्ट है उसको ऐसे कर दूंगा ठीक है। तो अब आप देखिए n+1 और को बाहर अगर मैं लिख लूँ तो ये समेशन ऑफ 1 है
ठीक है, वन को आप एन बार ऐड करेंगे तो एन आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन। और ये आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर के सम का एडिशन का फॉर्मूला है समेशन आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन, जिसकी वैल्यू होती है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये भी एक इजी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन सीखने के लिए प्रॉब्लम थी कि अगर कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट किस प्रकार से सीरीज दी गई है तो उसका जनरल टर्म में हो सकता है कि कुछ फंडामेंटल जो फॉर्मूलेज हैं उनको यूज करके हम फिर सीरीज यूज कर, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग ये प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, बहुत इजी सी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर किसी ने नहीं देखा इस टाइप का क्वेश्चन तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी सीखने के लिए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल इज, तो जब भी एक लाइन आपको दिखे सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, क्योंकि जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये बाइनोमियल भी नहीं है, ट्राइनोमियल है या मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, और सब टर्म्स के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में आप देखिए माइनस थ्री भी आएगा, ये एक्स भी कंबाइन होगा, ठीक है, तो इन सब के जो कोफिशिएंट है कि माइनस थ्री टाइम्स भी समथिंग हो सकता है वो भी इंक्लूड हो। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जानते हैं कि जब एक्सपैंड करेंगे आप तो इधर जो इसको एक्सपैंड करेंगे तो राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स आएंगे वहाँ पर। तो हमें देखिए क्या करना होगा, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी बाइनोमियल दिया गया, बाइनोमियल नहीं, जो भी मल्टीनोमियल, जो भी एक्सप्रेशन इस प्रकार का दिया गया हो जिसकी पावर बहुत बड़ी होगी इस तरीके से, तो हम उसे एक्सपैंड करके तो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देखिए आप कितना बड़ा यहाँ पे टर्म दे रखा है, तो हमें हमेशा एक्स की वैल्यू को वन पुट करना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो वॉट वी विल डू, वी विल पुट एक्स इक्वल टू वन। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि क्यों हम लोग x की पावर को x को 1 रखेंगे, इससे क्या होगा कि हर जगह जो x है वो 1 हो जाएगा, तो सारे बाइनोमियल कोफिशियंट ही बचेंगे इस साइड और वो सारे ऐड हो जाएंगे, फिर x की अलग अलग पावर होने की वजह से वो ऐड नहीं हो सकते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए जब हम लोग x को 1 रख देंगे तो फिर वो ऐड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए x को और y भी होता और भी वेरिएबल्स होते तो सबको 1 रख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर है। तो x को 1 रखने से इधर जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 2143, दैट विल बी माइनस 1 की पावर 2143, दैट इज आंसर इज माइनस 1। तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, करने की ज़रूरत भी नहीं है इसे, बस ऐसे ही देख के हम लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन है इफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ए टू एन एक्स की पावर एन, एन बिलोंग टू, इन सब पॉलीनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन कहीं पे भी अगर आपको 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आप हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी जरूर सोचें, कहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो नहीं, हालांकि यहाँ वैसा नहीं है, लेकिन ये एक एक आपके माइंड में हमेशा चलता रहना चाहिए, ऐसी बातें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर अब हमें चाहिए, देखिए क्या चाहिए, ए नॉट ए वन ए टू इस तरीके। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक्स को अगर वन रख दे तो इस तरीके के सारे देखिए टर्म ऐड हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे उसी टाइप की चीज़ थी, तो एक्स को वन रखने से देखिए ये सारे आ गए इधर, तो अगर इधर मैंने एक्स को वन रखा बिकॉज इट इज़ आइडेंटिटी एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ पर अगर एक्स को वन रख दूंगा तो देखिए 1 + 1 + 1 की पावर n, दैट विल बी 3 की पावर n, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 3 की पावर n, तो ये सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, जैसे ऊपर हुआ था। अब देखिए, अब नेक्स्ट टर्म में आप देखिए कि प्रॉब्लम कैसे आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम बहुत इजी है, ध्यान दीजिए जितने ऑड, जिनमें ऑड आ रहा है देखिए ए वन, फिर ए थ्री आएगा और इससे पहले ए टू एन माइनस वन आएगा, तो उनके आगे आप देखिए माइनस दिया गया है। अब उनके आगे माइनस कैसे आ सकता है, जब एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए,
माइनस वन, तो अगर x को हम लोग माइनस वन रख देंगे तो इस तरीके का जनरेट हो जाएगा। तो हमें वैल्यू चाहिए तो यहाँ रखना पड़ेगा। तो देखिए वन माइनस वन तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर n, तो माइनस वन की पावर n यानी कि यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये है वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है, फिर से समझिए x को क्या रखा गया माइनस वन, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, वन माइनस वन जीरो हो गया और माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, फिर उसका वन, तो वन की पावर n इज वन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए तो इवन, अब जरूरी नहीं आपको ऐसा देख के फिर, हो सकता है केवल यही क्वेश्चन हो सकता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो पहले ही करना होगा तभी आप ये निकाल सकते। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए वन से माइनस ए वन, फिर ए थ्री से माइनस ए थ्री, यहाँ पर मैं लिख दूँ जिससे आपको दिखे। तो इन ऊपर के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन के जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करने से केवल इवन पावर बचेगी। तो अगर ये बचाना है हमें तो इधर आ जाएंगे, देखिए टू टाइम्स आ रहा है तो टू से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा और इन दोनों को ही ऐड किया है हम लोगों ने, तो आंसर हो जाएगा थ्री की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। टू क्यों है आप देख लीजिए, टू टाइम्स ए नॉट हो गया था टू, उस टू को मैंने इधर भेज दिया है। तो देखा बहुत ईजी प्रॉब्लम्स हैं, बस इनको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कहीं बीच में प्रॉब्लम के यूज़ हो सकती। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बहुत स्ट्रांग बनाती हैं मैथ्स में। इस तरीके से सोचना इम्पॉर्टेंट है कि सोच कैसे डेवलप होगी हमें क्वेश्चन करने की। अगर अब आप देखें यहाँ पर, अब आपको इवेंट टर्म नहीं चाहिए तो इसमें से आप यानी ए नॉट, ये इवन वाले जिनमें आर की वैल्यू इवन है जैसे जीरो टू फोर, तो इनमें इसको माइनस कर देंगे अगर तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो टू टाइम्स हो जाएगा, अब इधर माइनस कर रहे तो इधर भी माइनस कर, अब आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, आंसर होगा थ्री की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक, आई थिंक आप समझ गए बात को कि हम इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट, तो एक बार हम लोगों ने ऐड करके बनाया, जब हमें सारे इवेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल गए, फिर एक बार ऑड निकालना था तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक बार एक्स की वैल्यू को वन रखा और दूसरे बार एक्स की वैल्यू को माइनस वन रखा गया। अब हम लोगों ने एक इजी प्रॉब्लम देखी थी और उस इजी प्रॉब्लम के बाद अब हम लोग एक बहुत ही टिपिकल सी प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि जेई मेंस से भी आई थिंक जेई एडवांस के लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग देखें तो यहाँ गिवन है वैसे ही जैसे पिछले प्रॉब्लम में एक्सपेंशन था, लेकिन इस बार जो कोफिशिएंट्स पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से टिपिकल से कोफिशिएंट पूछे जा रहे हैं, जैसे ए नॉट स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर और स्क्वायर के टर्म्स हैं इस बार, और जो ऑड वाले हैं टर्म्स आप देख रहे हैं उनमें माइनस लगा हुआ है। तो अब बात ये आती है कि किस प्रकार से आखिर हम लोग इस तरीके की सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आखिर ये ए नॉट स्क्वायर आएगा कैसे, तो ए नॉट स्क्वायर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी दो एक्सपेंशन होने चाहिए और उन दो एक्सपेंशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक्सपेंशन ये है, एक कोई दूसरा एक्सपेंशन होना चाहिए और उन दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐसा टर्म जनरेट होना चाहिए। अब आप देखिए कि अगर एक्सपेंशन होना चाहिए तो उसमें भी ए नॉट होगा और वो जब ए नॉट आएगा तो इस ए नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो ए नॉट स्क्वायर आएगा, यानी आप यहाँ देखिए यहाँ पे x का टर्म नहीं है ए नॉट, तो अगली सीरीज में भी ए नॉट का जो टर्म नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ए नॉट का अगर टर्म यानी x नहीं होना चाहिए उस ए नॉट में, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। अब यहाँ सोचने वाली बात आती है कि ए वन के साथ क्या होना चाहिए,
A1 में माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि इसके साथ माइनस एक्स जैसी चीज आनी चाहिए, ठीक है। और एक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज ए नॉट के साथ भी एक्स नहीं था। तो अगर अब आप सोचिए कि ऐसा क्या टर्म लिखा जाए जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स कैंसिल हो जाए और साथ में माइनस आ जाए, तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग। जैसे A1 एक्स दिया गया है, और इसको फिर हम लोग अगर इस तरीके से A1 इंटू माइनस वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस A1 स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सोचना है कि जिससे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी बना रहे और साथ में हमारा जो एक्स है वो खत्म भी हो जाए। तो आई थिंक आपको एक्स माइनस वन एक्स अगर इसमें रख दिया जाए तो ऐसी सीरीज बन सकती है। अब एक और टर्म देख लेते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं क्या सच में ऐसा होगा इस सीरीज के साथ। तो ए टू एक्स स्क्वायर पहली सीरीज के साथ आने वाला है, और अगर हम x को माइनस वन बाई एक्स रख दें इसकी जगह, तो आप देखिए ये ए टू बाई एक्स स्क्वायर आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए टू का स्क्वायर जो आएगा वो प्लस साइन के साथ आएगा, यानी कि सीरीज हमें मिल गई है। तो ये बात को जान लेना कि ये जो सीरीज है किस तरीके से डेवलप की जाती है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अगर आप यही स्टेप नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम में आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हम लोग किस तरीके सोचते हैं वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब हम यहाँ पे x की जगह माइनस वन बाई एक्स पुट करें, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, सो इट विल बी ट्रू फॉर x इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स ऑल्सो। तो यहाँ से हमारा जो अब सीरीज बनेगी, x की जगह मैंने माइनस वन बाई एक्स रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर पावर n, और यहां से जो टर्म्स आएंगे वो आएंगे a नॉट माइनस a1 बाय x प्लस a2 बाय x स्क्वायर, और इस तरीके से ये क्योंकि इवन है तो यहां पर होगा a2n अपॉन x की पावर 2n। अब हम इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर की पावर n, और यहां पे अगर मैं LCM ले लूं तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो दिस विल कम आउट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसके भी पावर एन होगी, लेकिन नीचे आप देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर की पावर टू एन, ठीक है। तो नीचे आ गया एक्स की पावर टू एन। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आना चाहिए ए नॉट माइनस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर माइनस ए थ्री स्क्वायर, और जो हमारा टर्म यहाँ पर ए टू एन स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा थोड़ी नहीं है कि केवल यही टर्म्स आने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, लेकिन हमें कौन से टर्म चाहिए जिसमें ऐसी चीज आए। तो वो यहाँ से बहुत सारे टर्म्स में हमें क्राइटेरिया फिट करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें इस तरीके की सीरीज यहाँ पर जनरेट होगी। तो वो क्राइटेरिया था कि ये जो पूरी सीरीज है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के जो टर्म्स होंगे उनके लिए, यानी हमारा क्वेश्चन अब इसे देखना भी नहीं है, इस प्रॉब्लम में हमें सोचना है कि कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के टर्म्स निकालना, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे, क्योंकि अब दो दो सीरीज हो गई है तो ये सीरीज कंबाइन होनी चाहिए, तो ये कंबाइन कैसे होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को लिखा जा सकता है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये भी ये बात पता होनी चाहिए कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो आएगा एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर एन अपॉन x की पावर 2n, ठीक है। तो यहां से अब आप देख रहे हैं कि यानी कि हमें ऊपर वाली जो सीरीज है, अगर इस पूरे को इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है तो ऊपर वाली सीरीज में कौन से टर्म आना चाहिए, हमें कौन सा टर्म ढूंढना है x की पावर 2n का टर्म ढूंढना है, ठीक है। तो अब इस ये सीरीज कहां से हम लोग लाएंगे, अगर हम लोग अपना पहली सीरीज देखें तो उस सीरीज में अगर हम x की जगह x स्क्वायर रख दें
तो ये सीरीज जनरेट की जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है। तो आपने देखा कि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें सीखने को मिल रहा है, जैसे कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होता है, ये सब बातें पता होनी चाहिए, नहीं फिर आगे नहीं प्रोसीड कर पाए। अब यहाँ से फिर एक बार हमें बहुत अच्छे से सोचना है कि पैटर्न देखना है कि क्या जो गिवन सीरीज से ये वाली सीरीज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो हाँ, क्वेश्चन मिलेगा, हाँ बना सकते, बिकॉज और कुछ दिया ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे जनरेट कर पाएंगे। तो ये सब लॉजिक है, जो लॉजिक भी डेवलप होनी चाहिए आपको जेई में। इट्स नॉट अबाउट ओनली नॉलेज, इट्स अबाउट कि लॉजिक कितनी आपकी है, आप कैसे सोच पा रहे हैं, नए नए तरीके कैसे आप निकाल पा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस से आएगा आपको। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है इस चीज को सोचने के लिए। तो अब हम यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये सीरीज हमें मिल जाएगी। तो सीरीज होगी हमारी 1 + x² / x^4n, जो कि एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर टर्म्स कैसे आएंगे आप देखें, ए नॉट में तो कुछ नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन ए वन के साथ पहले x था, अब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए टू के साथ क्या हो जाएगा, x^4 हो जाएगा। अब आपको चाहिए कौन सा टर्म जिसमें x^2n हो, वो वाला टर्म चाहिए। लास्ट टर्म देखिए क्या बनने वाला है, लास्ट टर्म बनने वाला है a^2n। जब इसको x की जगह x² रख देंगे तो दिस विल बिकम x^4n, ठीक। तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म ऐसा आएगा जहां होगा an, और जहां क्या रहेगा x^2n, बिकॉज पहले an के साथ x^n रहा होगा। अब x को जब हम लोग x² से रिप्लेस करेंगे तो वो an x^2n हो जाएगा। तो ठीक है, तो यानी कि हमें तो यही चाहिए था कि ऐसा टर्म जिसमें x^2n आए, तो वो क्या है, वो an है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, इतना सब जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ था, दैट इज सिंपली ओनली an। तो आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक टिपिकल से प्रॉब्लम को इजी बना के कर लिया है। तो इस प्रॉब्लम में फिर से मैं आपको बता दूं, 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो यूज करेगा। सबसे पहले थे ये बात सोचना कि हम कौन से एक्सपेंशंस को लेके ये वाली सीरीज जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया। फिर वहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि x को क्यों हम -1/x रख रहे हैं, ठीक है, पहला वो पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इन दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए अब कि x² + x + 1 × x² - x + 1 होता है x^4 + x² + 1। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने सीखा। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज ये कि सीरीज कैसे जनरेट करेंगे, तो आपके पास एक जो आइडेंटिटी सीरीज है, आप उसी में वैल्यूज को रख रख के नई नई सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फंक्शन में के चैप्टर में इस तरीके की चीजें करते हैं, फंक्शनल इक्वेशंस बनाते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम लोगों ने सीरीज को जनरेट किया, फिर कोफिशिएंट निकालना तो बहुत ही इजी बात है। तो एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से याद रखिए, इस प्रॉब्लम को आप रिवाइज भी करिए, बिकॉज ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपको अच्छी चीज़ें सोचने में हेल्प करती हैं, लॉजिक डेवलप करती हैं हमारे ब्रेन की। अब हम लोग ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने जा रहे हैं जिसमें क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x इज इक्वल टू 5^5 ऐसे 24 टाइम्स है। इस 5 से लेके आखिरी 5 तक 24 टाइम्स 5 यूज किया गया है, इसको अगर हम 24 से डिवाइड करते, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम इंटीजर टाइप में पूछी जा सकती है और ये इंटीजर टाइप की क्वेश्चन है, इसका मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 से 9 के बीच में आ सकता है। वैसे अगर हम किसी भी नंबर को 24 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकते हैं, 0 हो सकता है अगर वो टोटल डिवाइड हो जाए, और क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमारा 23 आ सकता है, ठीक है। तो 0 से 23 कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन ये बिकॉज इट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर हमारा 0 से 9 तक ही आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कैसे होगी।
बहुत सारी प्रॉब्लम बाइनोमियल में दी रहती है कि लास्ट के टू डिजिट्स बताएं और क्या रिमाइंडर आएगा, इस प्रकार की प्रॉब्लम को क्या कैसे करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो सीखने को हमें देखने को मिलेगी कि कभी भी अगर जेई का प्रॉब्लम बहुत जेई का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है तो नंबर थ्योरी से बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक हेल्प करेगा हम लोगों को इस टाइप के ब्रिज को मेंटेन करने के लिए। अगर हम देखें कोई एक्सपेंशन अगर हमें दिया गया है 1 + x^n, ठीक है, तो आप एक इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं k × x + 1। के यहाँ पे एक इंटीजर है। अब आप देखें किसी को भी अगर ओपन करेंगे तो जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ 1 + x^n, तो क्या हो जाएगा (nc0 + nc1x + nc2x²). अब आप देखें कि जितने भी टर्म होंगे (nc n) (x^n), तो ये देखिए 1 है, (nc0) की वैल्यू 1 है, वो मैंने यहाँ पर 1 की तरह लिख दिया है। और जो बाकी टर्म्स है देखिए उसमें तो x कॉमन ही है, तो सब जगह से x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये जो (nc1, nc2) ये सारे इंटीजर होते हैं, तो यानी हम लोग (k×something x + 1) यहाँ पर अपने एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये और क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हो गया, अगर हम अपने नंबर को k से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है 1। तो ये इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मेट का यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें तो 5 की पावर 5, तो अगर ऊपर वाले 5 से देखें तो यहाँ पे कितने 5 होंगे, 23 × 5 यूज किया गया है, ठीक है। तो 5 की पावर 5 अगर है तो दैट विल बी 25, और फिर अगर 5 की पावर 5 यानी 25 × 20 यानी कि 25 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 25 × 25 ऐसे करना पड़ेगा हम लोग तो, लेकिन क्योंकि सारे नंबर ऑड ही हैं तो यहाँ पे ऑड नंबर ही जनरेट होने वाला है। जब सब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ऑड नंबर। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यानी हम लोग देखें कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 2m + 1। तो ये जो पूरा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 23 टर्म्स हैं, ये ऑड पावर्स हैं और ये बार बार ऑड नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर जो ऊपर की चीज आएगी वो ऑड आएगी। और ऑड को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2m - 1 या फिर 2m + 1 लिखते हैं, ठीक है। और इवन को कैसे लिखते हैं हम लोग, इवन को 2m करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आप देखिए अब इजिली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 की पावर 2m, ठीक। अब 24 हमें यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो 24 कैसे बन सकता है, क्योंकि 5² है, यहाँ से 25 जनरेट किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 की पावर m। अब बाइनोमियल कैसे बनाया जाए 25 से, तो बहुत इजी है, 1 + 24 की पावर m, ठीक। अब आप देखिए अब इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में 24k + 1, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं 24k + 1 इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे 5 भी है तो ये 5 हो गया, ठीक। अब इस 5 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल कम आउट 5 × 24 k + 5। अभी पूरा नंबर इसी फॉर्मेट का हो गया है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पूरे नंबर को 24 से डिवाइड करूं तो देखते क्या रिमाइंडर आता है। तो अगर मैं इस पूरे नंबर को 24 से डिवाइड कर दूं तो आप इधर देखिए 5 × 24 k / 5/24, तो यहां से 24 कैंसिल हो गया। अब ये समथिंग इंटीजर आ गया है और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, तो 5/24 यानी 5 को अगर 24 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि इस प्रॉब्लम का आंसर है 5। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने डे 2 में बाइनोमियल एक्सपेंशन में
काफ़ी जो है अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट डे हम लोग और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम्स अब और भी टिपिकल होती जाएंगी, इसलिए अब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है प्रॉब्लम्स की।